छत्तीसगढ़ में अभी तक अगर हम देखें दो घंटे में, पहले दो घंटे में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो 72 सीटों में पोलिंग हुआ है उसका ओवरऑल जो टर्नआउट रहा है वह 12.54% है। यह निहायत ही आश्चर्यजनक भी है क्योंकि इसी के कंपेयर में अगर हम करें पहले दौर में जो कंपैरिजन करते हैं पहले दौर का तो उसमें 18 सीटों में 10 से 15% का फ्लक्चुएशन था, यानी कि पहले दौर के दो घंटों में 15% तक के मतदान हो चुका था मगर इसमें 10 से 12% का मतदान अगर दिखता है कर्टसी खराब ईवीएम। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। सुबह 8 से 10 के बीच का आप आंकड़ा समझें, बिलासपुर जिला उसमें 11% मतदान होता है, 7 सीटें हैं बिलासपुर जिले में। कोरिया जिला जहां पर की 3 सीटें हैं 13% मतदान हुआ। जशपुर जिला 14.7% मतदान दर्ज किया गया है, 3 सीटें हैं। मुंगेली जिला 11% मतदान दर्ज किया गया है, 2 सीटें हैं। सरगुजा जिला 9% मतदान दर्ज किया गया है, 8 सीटें, बहुत ही कम सरगुजा जिला में। रायगढ़ जिला 8% मतदान दर्ज किया गया है, 5 सीटें हैं। जांजगीर जिला 9% मतदान है, 6 सीटें हैं। कुल अगर बिलासपुर और सरगुजा संभाग को ही पूरा मैं ले लूं तो 38 सीटों में औसत मतदान 10.85% अभी दर्ज किया गया है। यह बहुत ही कम है क्योंकि इस बार टर्नआउट ज्यादा उम्मीद की जा रही थी खासकर मैदानी क्षेत्रों में। महासमुंद जिला में 13% मतदान दर्ज किया गया है। दुर्ग जिले में ओवरऑल 12.34% मतदान दर्ज किया गया है। पाटन में 13%, दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में 15%, वैशाली नगर में 14%, भिलाई में 11.49%, दुर्ग शहर में 14.29% और अहिवारा में 11%। और अगर अन्य जगहों की बात करूं मैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है रायपुर जिला, जिसमें कुछ कद्दावर मंत्री भी हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत जैसे मंत्री। रायपुर जिला में ओवरऑल जो टर्नआउट रहा है वह 9.51% दर्ज किया गया है वोटिंग, और इसमें धरसीवा 12.6%, सबसे अधिक। उसके बाद आता है रायपुर ग्रामीण 9.7%, रायपुर पश्चिम 8.4%, रायपुर उत्तर 8.2%, रायपुर दक्षिण 9.7%, आरंग 8.5% और अभनपुर 9.5%। इन 7 विधानसभा सीटों में रायपुर जिले के अगर सिर्फ 1/10 का आंकड़ा पार करता है वोटिंग प्रतिशत में और बाकी 6/10 से कम रहते हैं, 10% से कम रहते हैं, तो उसका कारण और कारण केवल खराब ईवीएम है। क्या ये ईवीएम खराब वाकई है, शुरू से ही मेल फंक्शनिंग है, क्या ईसीआई ने इन्हें बराबर चेक करके नहीं भेजा था, आखिर कहां गड़बड़ी हो रही है खासकर रायपुर जैसे बहुत ही हाई प्रोफाइल सीटों में, रायपुर राजधानी के हाई प्रोफाइल सीटों में आखिर क्या कारण बन रहा है इनका, लोग भी प्रश्न कर रहे हैं। रायपुर उत्तर के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुलदीप सिंह जुनेजा, उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में सभी जगह ईवीएम खराब अगर हो रहे हैं तो यह गंभीर बात है, इसकी शिकायत जो है वो चुनाव आयोग को करना ही चाहिए, वरना ऐसे में तो पूरी बाजी कांग्रेस से फिसलती हुई नजर आ रही है। कई कांग्रेसियों को ऐसा लग रहा है, कई नेताओं ने इस तरह के बयान भी दिए हैं, हालांकि वो ओपनली ऐसा कह नहीं रहे हैं। शंका जताए हैं कांग्रेसियों ने जताया है कि यह पूरे भाजपा सरकार की सत्ताधारी दल की पूरी एक रणनीति है जिसके तहत ईवीएम खराब होते चला जा रहा है। खैर, आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं आपको बताऊं कि एक मतदाता ऐसे भी रहे जो रायपुर उत्तर में चूना भट्टी क्षेत्र में जो मतदान केंद्र है वहां पहुंचे, बाकायदा घोड़े पर सवार होकर गए और उन्होंने वोटिंग किया और बाहर निकलकर घोड़े पर बैठे, शान से उंगली पर लगी स्याही को दिखाया और कहा कि आप भी वोटिंग करें। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में भांति भांति की चीजें हो रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी भी वही है, पहले 3-3.5 घंटों में अगर मैं कहूं ईवीएम हर तरफ से खराब हो रहा है, बावजूद इसके कि मुख्य चुनाव पदाधिकारी सुब्रत साहू ने ये साफ कर दिया है कि कहीं ईवीएम में ऐसी कोई भारी गड़बड़ी नहीं है, जो खराब हो रहे हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, जो मेल फंक्शनिंग है उनको इमीडिएटली ठीक किया जा रहा है। फिर भी वोटिंग परसेंट, वोटिंग टर्नआउट दिखा रहा है कि कितना कम मतदान हो रहा है छत्तीसगढ़ में।